सो आप सबके भर भर के डीएम्स एंड कमेंट्स आ रहे थे टू डू एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ फास्ट एंड अप BCAA Essentials. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपके साथ कुछ की पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग BCAAs. हियर BCAAs यानी ब्रांचेड एमिनो एसिड्स ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके रिजल्ट्स मेजरली डिपेंड करते हैं इसकी क्वालिटी के ऊपर, स्पेसिफिकली स्पीकिंग इसके एमिनो एसिड ब्रेकडाउन के ऊपर. सो एनीवन बिफोर बाइंग और ट्राइंग एनी BCAA आपको ऑलवेज क्वालिटी प्रिफर करनी है रेदर देन क्वांटिटी, जिससे आपके पैसे बर्बाद नहीं हो और आपकी हेल्थ के ऊपर किसी भी तरह कोई खतरा ना हो. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फास्ट एंड अप BCAA Essentials का ऑनेस्ट रिव्यू. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस BCAA सच एज इट्स एमिनो एसिड प्रोफाइल, द रेशियो इन विच ल्यूसीन आइसोल्यूसीन एंड वेलिन आर ब्लेंडेड एंड मैनी मोर थिंग. मैंने फास्ट एंड अप BCAA के फ्यू स्कूप्स को लैब टेस्ट में भेजा था जिसकी रिपोर्ट अब मेरे पास आ चुकी है. सो हम लोग कंपेयर करेंगे कि पैक और वेबसाइट पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वो हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट से मैच खाती है कि नहीं खाती है. साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग दिस BCAA और हम जानेंगे कि मेरा फेवरेट BCAA कौन सा है. और साथ ही साथ हम करेंगे हमारा बजट एनालिसिस. अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी 500 से 1000 तक, या फिर आपका बजट मीडियम टू हाई चलता है 1000 2000 तक, तब इज फास्ट एंड अप BCAA Essentials वर्थ योर मनी. क्या आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे इन दिस वीडियो. दिस मंथ हमारे चैनल पे हो रहा है 10 पैक्स ऑफ मसल ब्लेज L-glutamine का गिव अवे जो मिलेगा हमारे 10 लकी सब्सक्राइबर्स को. सो पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इस वीडियो में सब्सक्राइब कर लो और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो, दैट इज L-glutamine एन एसेंशियल एमिनो एसिड और अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. हमारे लास्ट वीक के लकी विनर्स का नाम है अजय एंड विष्णु जयपुरिया. सो अभी भी 8 प्लेसेस बाकी है. सो हरी अप एंड मेक श्योर टू करेक्टली आंसर द क्वेश्चन. अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो थ्री मेगा फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. इन केस आप फास्ट एंड अप BCAA को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की. मैंने यहाँ पे फास्ट एंड अप BCAA का 315 ग्राम्स यानी 315 ग्राम अप्रोक्सली पकड़ लो 300 ग्राम की पैकिंग ली है जो आराम से हमारे 1.5 मंथ यानी डेढ़ महीने चल जाती है. नेक्स्ट इज नंबर स्कूप्स पर पैक यानी एक पैकिंग के अंदर हमें कितने स्कूप्स ऑफ BCAA पाउडर देखने मिल जाएंगे. हियर फास्ट एंड अप BCAA के अंदर हमें 45 स्कूप्स ऑफ BCAA पाउडर देखने मिल जाता है विच इज एबो एवरेज एज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हमें 30-37 स्कूप्स ऑफ BCAA ही प्रोवाइड कराते हैं, जहां हमें फास्ट एंड अप 45 स्कूप्स प्रोवाइड करा रहे हैं. हैट्स ऑफ. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप साइज. हियर फास्ट एंड अप BCAA के अंदर हमें 7 ग्राम की स्कूप साइज देखने मिल जाती है विच इज एवरेज इन द मार्केट एज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हमें 5-7 ग्राम की स्कूप ही प्रोवाइड कराते हैं. Here comes our next matrix, which is scoop per serving. यानी एक बार का BCAA शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ फास्ट एंड अप BCAA पाउडर यूज करना है. Here, हमें इसके 2 स्कूप्स ऑफ BCAA पाउडर यूज करने हैं, which is average in the market. हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है सर्विंग इन ग्राम यानी एक बार में हम कितने ग्राम्स ऑफ BCAA कंज्यूम कर रहे हैं. सो हियर हमारा स्कूप साइज है 7 ग्राम का वेयर इज सर्विंग है 2 स्कूप्स की, देयरफॉर हमें 14 ग्राम्स ऑफ BCAA मिल जा रहा है पर सर्विंग. हियर कम्स आवर वन ऑफ द गोल्डन मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू विच इज ब्लेंड रेशियो. नाउ मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया था कि BCAA के रिजल्ट्स मेजरली डिपेंड करते हैं ऑन इट्स क्वालिटी ऑन इट्स एमिनो एसिड प्रोफाइल. सो हियर फास्ट एंड अप BCAA का एमिनो एसिड प्रोफाइल के अंदर जो रेशियो यूज हुआ है दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड रेशियो विच इज 2:1:1. नाउ अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द रिसर्च दिस इज कॉल्ड द गोल्डन रेशियो बिकॉज इस रेशियो के अंदर जब हम लोग BCAA लेते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर फास्ट एब्जॉर्प्शन दिखाता है और साथ ही साथ इसका कॉल टू एक्शन भी काफी हाई होता है. एंड अकॉर्डिंग टू आवर लैब टेस्ट रिपोर्ट ये रेशियो एकदम खरा उतरा है यानी यस.
हमारी अगली मेट्रिक्स है ग्रॉस BCAA, यानी 14 ग्राम्स की सर्विंग के अंदर हमें एक्चुअल में BCAA कितने ग्राम्स मिल रहा है। Here, हमें एक्चुअल यानी ग्रॉस BCAA 5 ग्राम्स का मिल जाता है, विच इज एवरेज इन द मार्केट। बट क्या ये ग्रॉस BCAA कंटेंट हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट से मैच करता है कि नहीं करता है? सो अकॉर्डिंग टू अवर लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये ग्रॉस BCAA कंटेंट घट करके रह गया है 4.8 ग्राम्स ओनली। नाउ दिस इज नॉट अ मेजर चेंज, ओनली 0.2 ग्राम्स का चेंज है, सो इट इज नॉट अ बिग कंसर्न। आवर नेक्स्ट मेट्रिक्स इज L-leucine। नाउ हियर 5 ग्राम्स के BCAA के अंदर हमें L-leucine कितना देखने मिलता है? सो हियर हमें 2.5 ग्राम्स ऑफ L-leucine देखने मिल जाता है, विच इज द स्टैंडर्ड कंटेंट ऑफ L-leucine पर BCAA। नाउ ये L-leucine का कंटेंट हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर आया है 2.3 ग्राम्स का। नाउ इतना ऊपर नीचे चलता है, सो दैट इज व्हाई हमारा ग्रॉस BCAA कंटेंट घट गया था। Our next matrix is isoleucine. Now it is also the standard ratio, which is 1.25 grams per 5 grams of BCAA. हमारे lab test report के अंदर ये matrix एकदम खरा उतरा है, यानी yes. Next matrix is valine. Now this is also the standard ratio, which is 1.25 grams per 5 grams of BCAA. हमारे lab test report में ये matrix भी एकदम खरा उतरा है, यानी yes. Now this specific matrix is going to shock you, which is protein. Now basically BCAAs के अंदर में protein देखने नहीं मिलता, integrated protein नहीं होता, but in this case of faster than BCAA, इन्होंने हमें integrated protein provide कराया है, which is 5 grams of protein per 14 ग्राम ऑफ BCAA पाउडर। Here, जहां BCAA हमारे मसल्स को फटाफट रिपेयर करेगा, वहीं ये एक्स्ट्रा 5.81 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे मसल फाइबर को लॉस होने से बचाएगा ड्यूरिंग आवर वर्कआउट। और ये प्रोटीन कंटेंट हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी इक्वल आया है, सो यस। हमारी अगली मेट्रिक्स आ जाती है डोफ्री। कहीं इस BCAA के अंदर कोई ड्रग्स या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसर्स तो नहीं मिला है बिना टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दिस BCAA? सो मैं तो इनकी वेबसाइट पे ना ही इनकी पैकिंग के ऊपर मुझे कहीं भी डोप इंक्लूडेड मिला, और ना ही हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कोई भी तरह का डोप मिला है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, सो इट इज डोप फ्री, यानी यस। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री। सो ना ही इनकी पैकिंग के ऊपर और ना ही हमारे लैब टेस्ट के अंदर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मिला है, सो यस इट इज GMO फ्री। Our next matrix is gluten-free. So yes, it is gluten-free according to our lab test report as well as according to the website. So जिस matrix का आप सबको बेस सबरी से इंतजार था, यानी हमारे cost per scoop की calculation का, मतलब एक scoop of faster than BCAA खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे ये जानते हैं। इस calculation के लिए मैंने formula use किया है, current price divided by number of scoops per pack. यहाँ हमारा first variable आ जाता है करेंट प्राइस, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी फास्ट एन अप BCAA का करेंट प्राइस चल रहा है ₹949 ओनली। हमारा सेकेंड वेरिएबल आ जाता है नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक। यहाँ पे फास्ट एन अप BCAA के अंदर हमें 45 स्कूप्स ऑफ BCAA पाउडर देखने मिल जाता है, देयरफॉर हमारा कॉस्ट पर स्कूप निकल जाता है ₹21 ओनली, विच इज वेरी बजट फ्रेंडली। इन केस आप फास्ट एन अप BCAA को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब करते हैं हमारा बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है, यानी ₹500 से ₹1000 तक, या फिर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी 1000 प्लस, देन इज फास्ट एन अप BCAA वर्थ योर मनी? Here, फास्ट एन अप BCAA का कॉस्ट पर स्कूप आया है ₹21 ओनली, विच इज सुपर बजट फ्रेंडली। यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और इतना ही नहीं, इसका जो BCAA है वो सुपीरियर क्वालिटी का है कंपेयर टू मेनी अदर ब्रांड्स। सो इस प्राइस रेंज के अंदर इससे बेस्ट BCAA हमें लो बजट में नहीं देखने मिलेगा। अब जानते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग फास्ट एन अप BCAA। इस BCAA के अंदर में 5 ग्राम्स ऑफ BCAA के साथ साथ 5.81 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देखने मिल जाता है, जहां ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA मेरे मसल्स को रिपेयर करा था फास्ट फास्ट एब्जॉर्ब होके, वहीं ये एक्स्ट्रा प्रोटीन बूस्ट मेरे मसल फाइबर लॉस को प्रिवेंट करा था। दैट इज वाई मुझे अपने मसल रिकवरी के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिला, और मैं अपने लिमिट्स को थोड़ा और पुश कर पाया।
अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट BCAA कौन सा है। मेरा पर्सनल फेवरेट BCAA है बिग मसल का BCAA मैंगो फ्लेवर। एज मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स देखने मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर एग्जांपल एनर्जी को रिप्लेस करने में बहुत हेल्प करते हैं, जो मेरे ड्यूरिंग वर्कआउट्स इंट्राडे ड्रिंक के अंदर लेने से मुझे काफी अच्छा बूस्ट मिलता है इन माय वर्कआउट और काफी अच्छा पंप भी आता है। इन केस आप बिग मसल BCAA को ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट चली गई, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।